हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लिमिट सिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक कमेंट से। कमेंट में देखिए पूछा गया है कुल मिला के ये कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पार्टनर हमसे शादी करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि शादी के लिए पार्टनर को कैसे एग्री करें, इस टॉपिक पर भी वीडियो है। इस टॉपिक पर भी वीडियो है कि फैमिली को कैसे लव मैरिज के लिए एग्री करें, लेकिन इस पे कोई भी सेपरेट वीडियो नहीं था कि ये कैसे जाने कि पार्टनर हमसे शादी करना चाहता है या हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, ये कैसे जाने। तो आज की इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज आपको बताई जाएंगी 3 ऐसी बातें हैं जिससे ये पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा रहना चाहता है कि नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो मकसद है, इंटेंशन है, वो ये है कि आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा इन 3 फैक्ट के माध्यम से कि आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, वो आगे क्या करने वाला है, आपके साथ रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ऑफ है, लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए सिमिलर रूप से उपयोगी है। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली जो बात है वो है मिस्टेक्स को लेकर, इसको समझना ये किस तरीके से क्लियर करती है। पहली जो बात है वो ये है, देखो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, अवॉइड, रियलाइज, सॉरी। ये 3 चीज़ें यानी कि मिस्टेक को लेकर, ये 3 चीज़ें अगर आपके पार्टनर में हैं तो वो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है। ठीक है, ये चाहती है चाहे लड़का हो या लड़की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यानी कि गलतियों को अवॉइड करना, यानी कि अगर आपके पार्टनर में याद है कि वो गलतियों से बचता है, यानी कि वो गलतियां नहीं करना चाहता है, वो सोचता है कि हमसे गलतियां ना हो जिससे कि आपको तकलीफ मिले, आपको दर्द पहुंचे, आप उन्हें डांटें या फिर आप उन पे उंगली उठाएं, तो वो अगर ऐसा चाहता है कि हम गलतियों को अवॉइड करें, वो गलतियों को अगर अवॉइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। अगर वो अपनी गलतियों को रियलाइज करता है, ठीक है चलो अवॉइड करता है लेकिन इसके बावजूद अगर गलतियां हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, तो उसको अगर वो रियलाइज करता है कि हाँ हमसे गलती हुई है और देन सॉरी बोलता है, एक बात ध्यान रखना फाइनली कंक्लूड यही है कि सॉरी बोलना, यानी कि अगर आपका पार्टनर आपको सॉरी ज़्यादा बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत डर रहा है आपको खोने से, उसको डर है कि कहीं आप दूर ना चले जाओ, कहीं रिलेशनशिप ना टूट जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि वो आपके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए रहना चाहता है, लंबे समय के लिए आपके साथ कंटिन्यू रहना चाहता है। ठीक है, तो ये है पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी बात की, तो सेकेंड नंबर पर जो थिंग है वो ये है, आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू। क्या आपके पार्टनर ने कभी आपको ये कहा है कि मैं आपके लिए सही नहीं हूँ? ठीक है, अगर ये कहा है तो इसका मतलब आप समझ नहीं पाए हैं शायद। इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आपका स्टैंडर्ड मुझसे ज़्यादा है, आप मुझसे बेटर हो, आपको मुझसे भी बेहतर लोग मिलेंगे, और मैं कहाँ, बात यहाँ पे वो हो गई कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो बात तो कुल मिला के ये है कि आप जो है ज़्यादा परफेक्ट हो, हम आपके लिए लायक नहीं हैं आपके। तो इसका सेंस ये होता है आप हमसे एक तरीके से आगे हो, आपका लेवल ज़्यादा है, तो हम आपको पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ज़्यादा मेहनत लगाएंगे और आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तो आपका पार्टनर ये इनडायरेक्टली आपको बता रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको छोड़ के जाने के लिए ऐसा कह रहा है। ठीक है, इस बात के सेंस को साइकोलॉजिकली वे में आप समझिएगा। अब बात करते हैं बात नंबर 3 की, तो तीसरी जो बात है वो है एग्री विद योर एवरी डिसीजन। ठीक है, यानी कि आपके जितने भी डिसीजन होते हैं उसके साथ ऑलमोस्ट लगभग सारे जो भी आप निर्णय लेते हो वो आपका पार्टनर जो है उसको सर माथे रख के उसको एग्री करता है, उसको मानता है। तो वो ऐसा क्यों करता है उसके पीछे समझो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप जो भी अपने पार्टनर को कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना है वैसा करना है तो वो वैसा ही करता है। आप कहते हो कि मतलब कि आपके कॉल करने से मुझे परेशानी होती है, कॉल मत किया करो, तो आपका पार्टनर अगर कॉल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब समझो वो आपसे बहुत प्यार कर रहा है, आपकी बातों को बहुत गहराई में ले रहा है। ऐसे इंसान हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी बात माने। तो यहाँ पे अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि बात मानना, सारी बातें मानना, ये तो गुलामी हुआ ना। देखिए इसको गुलामी नहीं कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं। गुलामी का अर्थ एक अलग होता है जिसको प्रेशर डाल के काम करवाया जाए, जिसको एक तरीके से बंधन में रखा जाए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्यार की। तो यहाँ पे अगर हर एक बात आपकी मानी जा रही है, आपको ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, जो भी आप कहते हो सर माथे रख के माना जाता है, तो ऐसा इंसान फोर श्योर आपके साथ हमेशा रहने के लिए सोचता है, हमेशा रहना चाहता है। ठीक है ना, तो एंड में बस इतना ही कि इस वीडियो और को इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करेगा ताकि वो भी ये पता लगा सकें कि वाकई में उनका पार्टनर के साथ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। तो इससे कईयों की हेल्प होगी, तो ये वीडियो शेयर करने में कतई मत हिचकना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर के लिए जब भी हेल्पफुल वीडियो आए, जब भी ऐसी पावरफुल वीडियो आए तो आपको वो देखने को मिले सबसे पहले। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह उसको लिखिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो के लिए नए टॉपिक पिक किया जा सके। और टॉपिक ऐसा दीजिएगा
जो मतलब रेलेवेंट हो। रेलेवेंट तो देखिए आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे सॉल्व किया जाता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका होता है, ठीक है। तो कमेंट करिए कोई बात नहीं है, लेकिन उन वीडियो को देख लीजिए जाके, आप एक बार चैनल चेक तो करिए, हर एक टॉपिक पर वीडियो है, मतलब ऑलमोस्ट सब पर वीडियो है। तो अगर जिस टॉपिक पे बचा हुआ है, छूटा हुआ है, तो उस पे मैं कवर करता हूँ, वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल कमेंट आपका सादर आमंत्रित है, कमेंट जरूर लिखेगा, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपने अभी तक लेवेंटर सिटी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको क्लिक करके फॉलो करिए। अगर आपने अभी तक लेवेंटर सिटी नहीं सॉरी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो कॉल पे, ठीक है, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एप्लीकेशन की, जाके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा leventercity@cm4, वहाँ पे leventercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। और एक बात, मैंने जो एक तरीके से टाइम रेशियो था, एक तरीके जो टाइम सर्कल था ना, उसको मैंने बढ़ा दिया है। मैंने क्या किया है कि अभी तक आप लोग कॉल कर सकते थे लेवेंटर सिटी में अपने सॉल्यूशन के लिए सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, लेकिन अब क्या किया गया है, अब देखिए क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि कभी भी ये ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ ज़रूरत है, आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं, तो आप बिल्कुल कॉल करिए, निधड़क होकर आप कॉल करिए। आप नाइट में भी कॉल कर सकते हैं, आधी रात में भी कॉल कर सकते हैं, जब भी कॉल करेंगे मैं कॉल रिसीव करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपका आंसर करूँगा। देखिए अब टाइम मैंने बढ़ा के कर दिया है रात के 12 बजे से लेके, ठीक है, रात के आप 12 बजे तक कॉल कर सकते हो, 11:59 तक, यानी कि पूरा 24 आवर्स मैं डेडिकेटेड हूँ आप लोगों के लिए। जब भी आपको लगे आपके पास प्रॉब्लम आ गई है ऐसी जो सॉल्व नहीं हो रही है, मदद की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं निसंकोच होके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक।